आज इस कदू टीवी के नाज़रीन को मोहम्मद अली अंजुम का सलाम अर्ज है। मैं इस वक्त द एजुकेटर स्कूल में मौजूद हूं और मेरे अतराफ़ में आप नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं जो इस वक्त ब्रेक टाइम पर बाहर खेल रहे हैं और उनके चेहरों पर आपको मुस्कुराहटें दिख रही हैं। हशाश बशाश बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। और इन्हीं तमाम बच्चों के साथ हमारे साथ एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट भी मौजूद हैं, मुअज़्ज़म अली। इनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पर कुछ छोटे बच्चों से बात करते हैं क्योंकि आज ईद भी है, 3 शाबान है, और इसी मुनासिबत से इन बच्चों से भी बात करते हैं। बच्चे कैसे हो आप? अपना तेरा सा नाम बताइएगा। अली हैदर है सर। अली हैदर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4th क्लास में सर। तेरा सा नाम बताइए मुझे। मुबीन इलियास। मुबीन इलियास कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4। कुछ सुनाएंगे हमें? यस। क्या सुनाएंगे? नात। सुनाओ। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। शाबाश, माशाल्लाह। आज चूंकि हमारे प्रोग्राम का बुनियादी थीम जो है मुअज़्ज़म से बात करना है, मुअज़्ज़म जो है इनका शुमार आप वतन अज़ीज़ के बेहतरीन नात खानों में और मनकबत खानों में होता है। मुअज़्ज़म अली साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर, कासिम भट साहब, गाजी साहब और ज़ीशान साहब भी बैठकर चाय तनावुल फरमा रहे हैं और चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। हम साथ साथ मुअज़्ज़म से बात भी करते हैं। मुअज़्ज़म साहब कब से नात खानी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो 1 क्लास में नात खानी और मनकबत खानी कर रहा हूँ। मैं जब छोटा था तो मुझे असम्बली में पढ़वाते थे, तब से। अभी आज ईद भी है, 3 शाबान, इस मुनासिबत से कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के बज कायनात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। ये करबला है ये मौजज़े, नुमा की बस्ती है ये करबला है ये मौजज़े, नुमा की बस्ती है कफन में इस अकेला पे तो हयात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत ही निराला और अछूता अंदाज़ मुअज़्ज़म अली साहब की, यही तो पहचान है। नौरोज़ भी है और इसी मुनासिबत से मैं बच्चों से ज़रा पूछता हूँ कि नौरोज़ क्यों मनाया जाता है? तो उस दिन छुट्टी के अलावा क्या किया आपने? अंडे को कलर किया। अंडे को कलर किया, बिल्कुल इनको पता था। तालियां बजाएं भाई। हाँ, नौरोज़ के दिन एक बात तो पता चल गई कि अंडे को कलर किया जाता है। इधर है बेटा, के दिन क्या करते हैं ये पता है आपको? हम अंडे तोड़ते हैं। अंडे तोड़ते हैं, दूसरे अंडों को मारते हैं। वैसे घर में बर्तन बर्तन भी तोड़ते हैं अंडों के अलावा? नहीं, इन्हें भी नौरोज़ के बारे में ये पता है कि अंडे लड़ाए जाते हैं। आपको पता है नौरोज़ क्यों मनाया जाता है? नाम भी अपना साथ बताइएगा। मेरा नाम मुबीन है और नौरोज़ उस दिन क्या क्या होता है ये पता है आपको? उस दिन हम अंडे को कलर करते हैं और अंडे लड़ाते हैं। सही। और कौन सा बंदा जीत जाता है ये पता है आपको? नहीं, कोई भी जीत जाता है। कोई भी जीत जाता है। आपने कभी ये गेम खेली है? जी। स्कूल में इस बार मनाना चाहेंगे नौरोज़? यस। वैसे क्या किया जाता है ये तो मालूम है ना आपको?
जी, नानोश के दिन अंडे तोड़े जाते हैं। अंडे तोड़े जाते हैं और ये अंडों का त्यौहार है। आपसे पहले हमारी बात हुई थी, आप बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और नारोज़ बाहर की आमद की खुशी में मनाया जाता है। गुड, नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम ने बताया कि नौरोज़ जो है वो जश्न बहारा की खुशी में मनाया जाता है। और मोहम्मद अली अंजुम को द एजुकेटर से इजाज़त दीजिए, एक नारे के साथ हम अख्तिताम करते हैं। तमाम बच्चे मिल के साथ मिलकर इस नारे का मेरे साथ जवाब देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, द एजुकेटर जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।